हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज गाइस हम लोग जा रहे हैं त्रंबा, जो कि राजकोट में स्थित है। बहुत ही कम लोगों को पता है, ये राजकोट के जो इधर के लोकल हैं उन्हें तो पता है गाइस, जो बाहर से आते हैं उन्हें पता नहीं है कि यहाँ एक अच्छी सी जगह भी है जिस जगह का नाम है त्रंबा। लोकल से बात करूँगा तब जाके पता चलेगा। एक छोटा सा गाँव है तो उस गाँव में चलते हैं गाइस, नदी देखते हैं, मंदिर देखते हैं, कैसा रहता है वहाँ का आज का व्लॉग। सो आप व्लॉग में बने रहे हैं अपना। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सभी के घर आपको एक समान दिखेंगे। You're breaking up your feet.
त्रंबा, आदि त्रंबा गांव में हम पहुंच गए हैं। ये अगर आप पहाड़ी के रास्ते से आते हैं तो पथरीला वाला आपको मिलेगा यहाँ पे, और ये सामने से निकल गए तो कुछ इस टाइप से है यहाँ पे नज़ारा, बढ़िया मौसम अद्भुत। तो अभी जाते हैं वहाँ फटाफट, तो वीडियो में बने रहें आप, ठीक है गाइस, दिखाते हैं आपको त्रंबा पहुँचो फटाफट नज़ारा है। ये देखिए आंटी देखते हुए जा रही हैं, आंटी को भी गाइस मज़ा आ रहा है, लग रहा है देखने में। तो अभी पहुँचते हैं गाइस वहाँ फटाफट त्रंबा, और यहाँ पे गाइस धूल मिट्टी ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आप ये राइट साइड देख सकते हैं कितना अच्छा है मौसम, और ये लेफ्ट साइड देख सकते हैं मेरे कितना बढ़िया नज़ारा है। तो गाइस बहुत ही जल्दी मैं एक GoPro लेने वाला हूँ, आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, चैनल को जल्दी से जल्दी मेरा मोनेटाइज करवा दीजिए, बहुत ही अच्छा हो जाएगा गाइस, फ्यूचर में भी मैं काफ़ी अच्छी वीडियो डालूंगा। और गाइस यहाँ पे आप पानी वगैरह अगर नहीं भी लेके आते तो चलेगा, यहाँ पे आपको पानी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, और अगर आपकी बाइक गाड़ी पंक्चर भी हो जाती है तो आसपास पंक्चर वाले बहुत हैं। और इस रोड पे गाइस ब्रेकर काफ़ी ज़्यादा हैं, ये देखिए जैसे कि आपको सामने से दिख रहा है, और काफ़ी हैवी ब्रेकर हैं। और इस रोड पे गाइस कमर्शियल गाड़ियाँ मतलब ट्रक बस ये सब नहीं चलती हैं, इस रोड पे आपको खाली कार बाइक साइकिल यही सब दिखेंगे। और ये जगह गाइस फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है, अगर आपको इन फ्यूचर में कभी आप यहाँ पे आते हैं तो इस जगह आप ज़रूर आएँ, और इस रोड पे आप ज़रूर आएँ, और बहुत अच्छा लगेगा, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, 0% पोल्यूशन है यहाँ पे अभी। तो गाइस एक नॉर्थ स्टार स्कूल बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ से भी आपको आगे आगे चलते रहना है, ठीक है, नॉर्थ स्टार स्कूल से आपको आगे चलना है। गाइस बड़े मुश्किल से आपको 1 किलोमीटर और आगे चलना पड़ेगा फिर हम त्रंबा गांव में पहुँच जाएंगे। तो फाइनली गाइस आ गए हम त्रंबा में, ये जो आपको टावर दिख रहा है ये त्रंबा का एक आइकन है, ये समझ लीजिएगा आप यहाँ पहुँचने का। तो अभी ये गाँव के अंदर चल लेते हैं गाइस अच्छे से, फिर आपको नदी किनारे ले चलते हैं, आपने रास्ता भी पता नहीं होगा तो मैं वो भी आपको इसमें दिखा देता हूँ कि किस तरफ से हमें जाना है, ठीक है गाइस। ये फाइनली ये है गाइस त्रंबा, ये जगह का नाम है गाइस त्रंबा। फाइनली गाइस रोड कर लेते हैं क्रॉस, राइट साइड हमें निकल लेना है। इसके अंदर हमें चल लेना है गाइस, ये आएगी शेरी, ये है गाइस त्रंबा गाँव, छोटा सा गाँव है, तो आपको मज़ा आएगा ब्लॉग में। ये देखिए गाइस चलते भाई, इस साइड तो नदी नहीं थी यहाँ तो, मुझे लगा यहाँ नदी क्या हुए, हाँ तो क्या थी जवान में आलो रेडी गाइस आ गए हम, मैं आपको जाके दिखाता हूँ, आ गए गाइस फाइनली, अब पता चल गया किधर को जाना है, त्रिवेणी संगम के लिए नीचे की तरफ है गाइस, यहाँ से जाना है हमें नीचे आगे से। तो गाइज ये है वो रास्ता जो मैं भूल गया था, तो मुझे फाइनली याद आ गया है, तो अभी आपको ले चलते हैं डायरेक्ट त्रिवेणी संगम। अभी बाहर जाते टाइम गाइज हम दूसरे रास्ते से जाएं ताकि आपको दोनों रास्ते दिखा सके, ये देखिए गाइज, ये देखिए गाइज सामने वो मंदिर है, ये देखिए इसे बोलते हैं त्रिवेणी संगम। तो गाइज बाइक थोड़ी सी आगे तक जा सकती है बस, यहाँ उससे आगे नहीं जाइए, हाँ लड़का लड़की आते रहते हैं कॉलेज से, ये देखिए ये इन्हें त्रिवेणी संगम के हैं। अभी मैं आपको पहले इसका बैक साइड दिखा देता हूँ, फिर चलते हैं वहाँ पे गाइस अंदर, ये पूरा मंदिर है गाइस,
वैसे हम आ तो गए हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और अंदर जाएंगे इसके, मंदिर के अंदर नहीं, आपको थोड़ा फार्मिंग वगैरह दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी लगे वो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने ले जा रहा हूँ अभी, जहाँ जिस चीज़ को आप देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। ये वो गाँव का छोटा सा रास्ता है, रास्ते की तरफ ले कर, ये गाँव का गाइस छोटा सा रास्ता है, इस रास्ते में आपको मज़ा आ जाएगा। अभी ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ से एक नंबर व्यू आएगा गाइस, एक नंबर। तो गाइस फाइनली वहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे लगा देते हैं गाड़ी को, यहाँ से आगे चलते हैं गाइस, व्यू देखते हैं बढ़िया। मेरे पीछे से आ जाना, देख रहा हूँ। सो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ मस्त सी जगह, यहाँ से व्यूज़ अलग ही आते हैं। देखो गाइस, चाबी रख लेता हूँ पहले जेब में। सो गाइस यहाँ पे आए थे हम उस दिन नहाने के लिए, बहुत गहरा पानी है यहाँ पे, ये देखिए। सो ये गाइस ऊपर का, अगर आपको ज़्यादा पानी में नहाना है तो आप यहाँ पे आएँ, और यहाँ से गाइस फिसलने वाला है, अगर मैं अभी नीचे जाऊँ तो पूरा ही नीचे चला जाऊँगा, सो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। सो इसके नीचे है गाइस वो जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए भाई लोग, ये आगे एक फैक्ट्री है और काफ़ी शांत मौसम। ये हमारी वाइफ खड़ी है यहाँ पे अलग एंगल में, ये देखिए। अब चलते हैं गाइस मंदिर की तरफ, जो मंदिर की मैं बात कर रहा था, ये व्यू मैं आपको दिखाने के लिए लाया था काफ़ी। गाइस इसके पीछे अभी यहाँ से निकलते हैं, अभी जाते हैं मेन मंदिर पे, जो मंदिर है वहाँ पे चलते हैं फर्स्ट क्लास, और आगे का ब्लॉग आपको वहीं पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है गाइस। ये देखो गाइस, ये है त्रंबा का, ये भैंसे नहा रही हैं, ये यहाँ का मंदिर है, ये यहाँ शांत वातावरण होता है हमेशा, और यहाँ पे कॉलेज के अक्सर लड़के आया जाया करते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं नदी, यहाँ पे हमने नहाया था परसों, आमतौर पे यहाँ पे बंदे लोग आते हैं। सो ये देखिए गाइस, ये ऊपर कुछ बच्चों के खेलने के लिए भी है, और जहाँ पे हमने परसों नहाया था पिछली बार आके, सो वहाँ पे नहाया था जहाँ पे कौवे वगैरह उड़ रहे हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पे आए थे नहाने के लिए, ये देखो। सो गाइस यही है त्रंबा, आपको दिखाना था। सो गाइस यही है फाइनली त्रंबा, तीसरा मंदिर है, आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं, आइए। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ आप बच्चों को लेके आ सकते हैं, शांत वातावरण रहता है यहाँ, आप इक्विपमेंट फ्री रहते हैं। ये देखिए गाइस, इस पे बैठ के बच्चों को कहते हैं आप, ये देखिए मेरी बच्ची, ये बैठ रही है, ये वज़न ज़्यादा होने की वजह से, ये छोटे बच्चों के लिए गाइस। सो गाइस यहाँ से निकल लेते हैं आगे इस तरफ, यहाँ पर आप वीडियो वगैरह शूट कर सकते हैं अच्छे से अपना, और आगे मंदिर है गाइस अंदर। गाइस अभी चलते हैं फाइनली मंदिर के अंदर फर्स्ट क्लास ढंग से, यहाँ बहुत सारे वी आई पी वगैरह आते रहते हैं देखने के लिए। ये देखिए गाइस लिखा हुआ है नाम, ये देखिए श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर त्रंबा, ठीक है गाइस ये रहा, यहाँ है गाइस पार्किंग, पार्क कर सकते हैं आप अपनी गाड़ी। यार हमारी वाइफ भी थकान, लेग्स करा दिए कल मैडम को लेग्स, चलिए यही चलेंगे पहले। और ढंग से ये रहा गाइस मंदिर, पुराना मंदिर है काफी, ये मंदिर है और क्या। मेरे को ये रहा गाइस त्रंबा में मंदिर, आने के ये है गाइस मंदिर, ये है घंटी, जय भोले बाबा की।
इस टाइप से गाइस कुछ मंदिर है। ये अंदर है गाइस शिवलिंग सबसे पुराना, ये देखिए। यहाँ पे आप आए गाइस शिवरात्रि के दिन आप अच्छे से दर्शन। सो गाइस यही है वो मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था त्रंबा में, ये इसमें विशाल का एक घंटी। बस बस तो यहाँ समाधियाँ भी हैं गाइस अंदर, वो अच्छा लगेगा यहाँ। तो गाइस ये रहा गाइस, गुजराती नहीं आती हमें ज़्यादा तो आप पढ़ लेना गाइस, चरण पादुका ही। ये गाइस इधर आराम वगैरह करने के लिए, ये देखिए गाइस श्री राम दरबार अंदर, ये देखिए काफ़ी भव्य है। यहाँ के केयर टेक वगैरह ये सारे लोग ध्यान रखते हैं इस मंदिर का साफ सफाई। चलते हैं गाइस। सो गाइस आपने देखा यही था त्रंबा का वो मंदिर। सो यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ पे आपको शांति मिलेगी बिल्कुल। सो आप आएँ गाइस यहाँ और दर्शन करें और आपको अच्छा लगेगा। आप यहाँ तकरीबन एक दिन के लिए आएँ, आपको सामने होटल वगैरह भी मिल जाएंगे स्टे करने के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है। सो गाइस अभी चलते हैं फटाफट घर को, कुछ ब्लॉग भी एडिट करना है। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में गाइस, अभी निकल लेते हैं घर को। तब तक के लिए आप अपना प्यार दें, सपोर्ट करें और कमेंट करें गाइस, लाइक करें। थैंक यू।